हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से काफी ज्यादा इंडिविजुअल को ऐसा ई कंपेन का मैसेज आ रहा है, तो इस वीडियो में हम पूरा ही प्रैक्टिकली लाइव स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आपको ये जो ई कंपेन जो का मैसेज सभी इंडिविजुअल को आ रहा है उसका कैसे कंप्लायंस करना है। पूरा ही प्रैक्टिकली लाइव देखने वाले हैं और मेरी चैनल में एक और वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें पूरा ही डिटेल में समझाया है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जो ये मैसेज आया है इसका मीनिंग क्या है, कौन से केस में ऐसा एसएमएस आ सकता है आपको, और अगर आ भी गया है तो कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको इसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। पूरा ही डिटेल में समझाया है उस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक डेफिनेटली मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर चेक कर सकते हो। तो ब्रीफली मैं अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे केसेस है जिसमें आपको ऐसा मैसेज आया होगा कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है, या आपने इनकम कम शो करी है, आपने सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आपकी एआईएस में दिख रहे हैं फिर भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है, और आपने हाई अमाउंट स्पेंड किया है फिर भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया, एंड आपने इनकम आपकी अंडर रिपोर्ट की है। तो बहुत सारे केसेस में आपको ऐसा एसएमएस आया होगा। तो अभी फाइनली हम इस वीडियो में चलो देखते हैं कि ई कंपेन का जो मैसेज आया है उसका हमें कैसे कंप्लायंस करना है। तो आइए चलो देखते हैं, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहे अंत तक, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलो देखते हैं। यस फ्रेंड, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में, डैशबोर्ड में ही पेंडिंग एक्शन में कंप्लायंस पोर्टल पे आना है। कंप्लायंस पोर्टल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये पूरी ही टैब मिल जाएगी, एआईएस, ई कंपेन। तो यहाँ पे जो ई कंपेन है वो एआईएस का ही पार्ट है। यहाँ पे आपको एआईएस की टैब भी मिल जाएगी एंड ई कंपेन का भी टैब मिल जाएगा। तो ई कंपेन टैब पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ई कंपेन टैब पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ई कंपेन लिस्ट मिल जाएगा। ई कंपेन लिस्ट में ऐसा है, पूरा ही डिटेल में इंफॉर्मेशन रहेगा, आपका जो भी ये इंटीमेशन है उसका डिन नंबर एंड टाइप लिखा रहेगा कि आपको ये क्यों ई कंपेन का मैसेज आया है, देन डिस्क्रिप्शन पूरा ही रहेगा, देन इश्यू डेट कौन से डेट पे इश्यू हुआ है, एंड रिस्पांस की ड्यू डेट एंड ओवरऑल स्टेटस, ये पूरा ही ई कंपेन लिस्ट में आपको दिखेगा। देन यहाँ पे इस केस में ऐसा है कि नॉन फाइलर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ई कंपेन के लिए मैसेज आया है, तो इसके कंप्लायंस के लिए ये मैसेज पे सिंपली आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैटेगरीज लिखी रहेगी, उसमें पूरा ही डिटेल में लिखा रहेगा कि कौन कौन से मतलब ऐसे हाई पॉइंट है जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इंटीमेट कर रहा है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नेसेसरी है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, क्योंकि ये जो पूरी ही डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है और आपको आपके पैन कार्ड से जो लिंक रहती है वो पूरी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। तो ये पूरे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, नंबर ऑफ यहाँ पे अमाउंट ऑफ वॉल्यूम भी पूरा लिखा रहेगा। तो यहाँ पे इस जो इन्फॉर्मेशन की कैटेगरीज है उस पर हमें प्रिलिमरी रिस्पॉन्स सबमिट करना है। तो प्रिलिमरी रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। प्रोवाइड रिस्पॉन्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे रिस्पॉन्स की पूरी डिटेल्स हमें सबमिट करनी रहेगी। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में बहुत सारे रिस्पॉन्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर्ड है, आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऐसा है कि यस द रिटर्न हैज बीन फाइल, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुका है। सेकेंड है कि आई एम नॉट लायबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पैन कार्ड के साथ जो लिंक है वो इन्फॉर्मेशन आई है बट आपका जो केस है उसमें आपकी इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो यहाँ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल नहीं हो। देन थर्ड वन है द रिटर्न फाइलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एज द डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट और रॉन्ग, आप श्योर हो कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है वो रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन है आई एम लायबल टू फाइल ITR बट नॉट येट फाइल द ITR, मतलब लायबल है बट अभी तक मैंने नहीं फाइल किया। तो जब आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ पे नीचे सब रीजन भी आपको देना पड़ेगा कि
अंडर प्रोसेस है मेरा इनकम टैक्स रिटर्न, मैं शॉर्टली जल्द से जल्द फाइल करूंगा और आई एम नॉट इंटेंडिंग टू फाइल ITR, ये भी ऑप्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दिया गया है। देन रिस्पॉन्स में ये भी है कि आई एम लायबल टू फाइल ITR बट नॉट येट फाइल, जो हमने देखा। देन रिटर्न फाइलिंग इज रिक्वायर्ड बट द डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इज पार्शली करेक्ट, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन पार्शली करेक्ट है, तो वो भी आप ऑप्शन रिस्पेक्टिव सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका प्रिलिमरी रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। तो इतना सा सिंपल सा ई कंपेन का आपको रिस्पॉन्स करना है। तो यहाँ पे एक और देखते हैं कि फर्स्ट वन हमने देखा कि प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स, देन सेकेंड वन है फीडबैक ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन AIS, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो केस है वो नॉन फाइलर का केस है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि अगर आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का ऐसे ई कंपेन का मैसेज आया है या स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेट ट्रांजेक्शन का आपको कोई SFT ट्रांजेक्शन का कोई मैसेज आया है, तो यहाँ पे आपको AIS की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको फीडबैक सबमिट करना रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोवाइड फीडबैक इन AIS पे क्लिक करना है एंड देन आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आप एन्यूअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी एंड सेकेंड वन है एन्यूअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे पार्ट बी में पूरी ही डिटेल्स रहेगी, उसमें SFT इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है। आप जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे जो आपके पैन कार्ड के साथ लिंक है, बट यहाँ पे जो रेड करके ई मार्क किया हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे फीडबैक एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जरूरी बन जाता है कि इनकम टैक्स को यहाँ पे आपको यहाँ पे फीडबैक सबमिट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली वो इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आप बल्क में भी यहाँ पे फीडबैक सबमिट कर सकते हो एंड देन इंडिविजुअल भी यहाँ पे फीडबैक सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव बटन पे आप फीडबैक पे क्लिक करना है एंड जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे फीडबैक टाइप लिखा है, देन इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, जो भी आपका जो ट्रांजेक्शन है उसको जस्टिफाई करे वैसा आपको यहाँ पे फीडबैक आपको सबमिट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो ये था पूरा प्रोसेस रिगार्डिंग ई कंपेन में आपको कैसे रिप्लाई करना है एंड अगर आपको फीडबैक देना है ऑन AIS इन्फॉर्मेशन तो वो भी यहाँ पे आप ऐसे तरीके से सबमिट कर सकते हो। तो आई होप इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी आपका रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स दे सके। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।